हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन वर्ल्ड में, जहाँ आपको मिलती है दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज के समय में बहुत तेज़ी से आँखों की समस्या बढ़ रही है, जिसे बच्चों तथा बड़ों दोनों में देखा गया है। फ्रेंड्स, यह जो आँखों की बीमारी है वो अचानक से एक ही रात में हो जाती है। दोस्तों, यह बीमारी है आँखों का इन्फेक्शन हो जाना, जिसे हम पिंक आई या कंजक्टिविटिस के नाम से जानते हैं। यह बीमारी होने पर व्यक्ति की आँखों में बहुत तेज़ी से दर्द होगा, साथ ही आँखों में सूजन तथा आँखें रेडनेस हो जाएंगी बहुत ही ज़्यादा। साथ ही आँखों में से आपके वाइट डिस्चार्ज भी होगा, जिससे सोने के बाद उठते समय आपकी आँखों में वो वाइट डिस्चार्ज चिपक जाता है, जिसे आप सुबह में पानी से धोकर ही खोल सकते हैं। साथ ही व्यक्ति की आँखों में जलन रहती है, खुजली रहती है और बार बार आँखों से पानी आता है, और हवा तथा लाइट से भी आँखों में बहुत सेंसिटिविटी हो जाती है। आँखें भी नहीं खोल पाते। इस प्रकार की तमाम समस्याएं होती हैं जब व्यक्ति को कंजक्टिविटिस नामक आँखों की बीमारी होती है। दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है जो आजकल बहुत ही तेज़ी से प्रचलन में है। फ्रेंड्स, इस बीमारी के फैलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे व्यक्ति किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है, तब भी उसे यह बीमारी हो सकती है। फ्रेंड, जैसे कि आपके आसपास न जाने कितने ऐसे लोग घूम रहे होंगे जिनको आँखों की प्रॉब्लम होगी, जिनकी आँखों में इन्फेक्शन होगा। अगर आप उनके संपर्क में आते हैं तो ये हो सकता है कि ये जो आई कंजक्टिविटिस है वो आपको भी हो जाए। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति से मिले तो ज़रा उनसे दूरी बना कर रखें, अन्यथा आपको भी यह बीमारी लग सकती है। फ्रेंड्स, अब चलिए बात कर लेते हैं आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज कैसे किया जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक बने रहिएगा। और जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में ही बेल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में आप कमेंट लिख के ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। दोस्त, बढ़ते हैं इस बीमारी के ट्रीटमेंट की तरफ। फ्रेंड्स, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी इस बीमारी को लेके, तो डॉक्टर हमें अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट को प्रिस्क्राइब करता है। जैसे इस बीमारी के लिए आई ड्रॉप, आई ऑइंटमेंट, कुछ पेन किलर्स मेडिसिन और कुछ पेन किलर ड्रॉप्स। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्टर ने जो आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब किया हुआ है, वो आई ड्रॉप आखिर होती किस काम की हैं और वो किस कैटेगरी की आई ड्रॉप होती है। फ्रेंड, जब आई ड्रॉप हमें डॉक्टर देता है तो वो एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होती है। वो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो उसका फार्मूला होता है, वो इस प्रकार हो सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप। फ्रेंड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है, जो कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट करता है आपकी आँखों की कंजक्टिविटिस के ऊपर और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो उसके ऊपर। सेकेंड एंटीबायोटिक फ्रेंड्स, वो जेंटामाइसिन आई ड्रॉप आपको सजेस्ट कर सकता है। एंड थर्ड, वो आपको ओफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक आई ड्रॉप सजेस्ट कर सकता है। फ्रेंड, ये तीनों ही एंटीबायोटिक ड्रॉप आपकी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है और इन तीनों ड्रग का यूज़ आपकी आँखों में बहुत ही सेफ और सुरक्षित है। फ्रेंड, इसके अलावा डॉक्टर आपको कुछ ऑइंटमेंट भी सजेस्ट कर सकता है। ऑइंटमेंट भी फ्रेंड एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होता है, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप आई ऑइंटमेंट, क्लोरामफेनिनोल आई ऑइंटमेंट। फ्रेंड्स, ये जो ऑइंटमेंट होता है, इसके यूज़ की विधि मैं आपको बता दूं। जैसे आँखों के नीचे वाले में जहाँ पे हम काजल लगाते हैं, इसे उस जगह पे काजल की तरह ही अप्लाई करना है, ना कि इसे आँखों में भरना है। तो फ्रेंड्स, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो ऑइंटमेंट है वो काजल की तरह ही लगाया जाता है इसको। और फ्रेंड, इसके साथ में हम बढ़ते हैं टैबलेट्स के बारे में, टैबलेट्स की तरफ, कि डॉक्टर हमें आखिर इस बीमारी में टैबलेट्स कौन कौन सी दे सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कुछ पेन किलर टैबलेट्स दी जाती हैं। और जैसे दोस्तों, एंटीबायोटिक टैबलेट की बात करें तो
तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट, ये बहुत ही कारगर एंटीबायोटिक है आँखों के लिए और जो दर्द निवारक आँखों में सूजन जलन को कम करने के लिए होता है दोस्तों, वो होता है एसिक्लोफिनक एंड पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की मेडिसिन। या तो दोस्तों इसके अलावा आप आइब्रोफेन एंड पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन की टैबलेट दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आखिर जो डॉक्टर हमें ड्रॉप या टैबलेट सजेस्ट करता है उसका यूज हमें कब और कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके यूज को बताने से पहले आई रिक्वेस्ट यू फ्रेंड, अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी भी है तो आप उसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, खुद से ट्रीटमेंट लेने के लिए ना सोचें। अगर कोई भी ट्रीटमेंट आप स्वयं करते हैं तो उसके परिणाम के ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे फ्रेंड्स, तो इसलिए खुद से कोई भी ट्रीटमेंट ना करें फ्रेंड्स। अब इसके उपयोग की बात करते हैं, तो जो आपको ड्रॉप मिलता है फ्रेंड्स, इस ड्रॉप को दिन में 2 से 3 बार 2-2 बूंद छोड़ना होता है। ये आपकी आँखों के कंजक्टिविटीज़ को और आपकी आँखों के इन्फेक्शन को जल्द से जल्द ठीक करता है। फ्रेंड्स, टैबलेट की बात करें तो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट एडल्ट डोज है दिन में 2 बार, और जो दर्द निवारक टैबलेट है तो ये भी दोस्तों दिन में 2 बार आपको लेना है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इस वीडियो से आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ फ्रेंड हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा अच्छा अच्छा कमेंट करिए ताकि हमें और भी मोटिवेशनल मिले आपके लिए नई वीडियो बनाने के लिए। और जी हाँ फ्रेंड्स, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि हमारे तरफ से अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।